कोण। तो सबसे पहले जानेंगे कोण होता क्या, क्या कोण होता क्या है। तो देखिए जो कोण होता है, आप लोगों को बताया गया होगा कि कोई ऐसे रेखा खींच दिया गया, भैया यही कोण थीटा है, ये माना गया है। लेकिन एक्चुअली हम जानेंगे कोण होता क्या है, क्या कोण कहते किसे हैं। देखिए कोण परिभाषित करने का दो तरीका है, लेकिन हमको जो तरीका जाना है वो यहां से जानना है। पूरा वाला नहीं, एक कहेंगे कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या आर का पान रेडियस, वो नहीं जानना है। तो देखिए कोण बराबर, देखिए क्या है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों के बीच जो झुकाव है, तो दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखिएगा, दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। अब आप एक ऐसे फिगर बना लीजिएगा, एक रेखा ये, एक रेखा ये, और इसके बीच ये झुकाव जो है मान लेते हैं थीटा डिग्री का कोण बना है, यही है कोण, ठीक। लेकिन साहब आप लोग बताएं कि अगर मैं कोण को मान लिया जाए, इसको मैं ऐसे लिखाऊं, ये मैं मान लूं कि 45 डिग्री है और थोड़ा सा मैं एरो दिखा दूं, तो कोण तो है लेकिन कौन सा कोण है। और या मैं इसी को ऐसे दिखा दूं और इस बार एरो इस साइड कर दूं, मान लिया जाए 45 अंश ही बना। अब क्या है, तो आप लोग कहेंगे साहब ये तो कोण है, एरो से क्या लेना देना है। तो एरो से बहुत कुछ लेना देना है। हाँ जी बताएं। देखिए आप लोगों को पता होगा कि घड़ी कैसे चलती है, तो आप घड़ी कैसे चलती है दक्षिणावर्त या वामावर्त मत जाइए, केवल क्लॉक जानिएगा, दाएं से बाएं ऐसे घूमती ना, ऐसे घूमती है ना, याद रखिएगा। अगर कोण, बात नहीं साहब, अगर कोण घड़ी की दिशा के अनुसार बना हो या एरो घड़ी की दिशा के अनुसार बना हो, उसे कहते हैं ऋण कोण। क्या कहते हैं, ऋण कोण। ऋण ऐसे ही लिखा जाएगा ना, इसे कहते हैं ऋण कोण। लेकिन अगर ये घड़ी की दिशा के विपरीत वाले डायरेक्शन में बना हुआ एरो, घड़ी के जैसे चलती उसके विपरीत ऐसे बन गया है, इसको कहते हैं धन। क्या कहते हैं, धन। क्लियर हुआ, ऋण कोण क्या है, धन कोण क्या है, जैसे कहा जाए, बात क्लियर हुआ नहीं। जैसे कहा जाए भैया आप दिखाइए ये 540 डिग्री बना के दिखाइए और एक दूसरा -540 बना के दिखाइए। अगर हमको नहीं पता रहता तो हम ऐसे ही बना देते दोनों को एक ही जैसा, है ना। अब देखिए हमको बताना है 540 वो भी पॉजिटिव, कुछ नहीं लिखा तो प्लस, तो चलिए ठीक है। अब सर्कल बना लेते हैं ऐसे ऐसे, अभी आगे आपको बताया जाएगा कि कितना अंश कब कब होता है, नाम क्या क्या है। हम मान लेते हैं कि यहाँ कोण है, यहीं से शुरुआत करते हैं, यहाँ से है लेकिन यहाँ से हम बताते हैं, और प्लस में बनाना है 540, तो किस डायरेक्शन में घूमेंगे, ऐसे एंटी क्लॉक, यहाँ आया 360, 540 कितना हुआ 450, और ये यहाँ आया तो 540। अगर ऐसे इसको दिखा दिया तो ये प्लस 540 बना है, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे दिखा दिया ये वाला डायरेक्शन,
ये माइनस 540 यानी ये ऋण को दर्शा रहा है, ये धन को दर्शा रहा है। ठीक, हाँ बना लीजिए इसको, बस यही समझना है थोड़ा सा। कन्फर्म हुआ? चलिए जब इसको जान लिए हैं, अब हम जानेंगे कि कौन सा कोण क्या है। पहले मैं आपको फिगर एक बनाता हूं, उसी फिगर में मैं सारा बता दूंगा, तब 1/1 करके मैं लिखवा दूंगा, और इसको बिना लिखे आप लोग जा नहीं सकते। अगर जिसको पता है, जिसको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं आता है वो लिखेगा जरूर। जैसे मान लिया जाए कि अक्षांश है, अब देखिए गणित की भाषा में इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है, चतुर्थांश। क्या? चतुर्थांश, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। लेकिन वहां तक हमको जाना नहीं। अब देखिए मान लिया कि यहां से कोण शुरू होता है तो यही, लेकिन मैं इधर दिखाता हूं 0 और यहां 90 और यहां 180 और यहां 270 और यहां आया, फिर ये पूरा एक सर्कल बन गया 360। अब यहीं से सारा नाम आता है। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे कि न्यून कोण क्या, एक्यूट एंगल। न्यून ठीक, देखिए कोई भी कोण न्यून कोण कब होगा, ध्यान दीजिएगा अभी, कि जब वह 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो। हम कह सकते हैं कि मान लिया कि कोण थीटा है, ये ग्रेटर है 0 से और लेस है 90 से, यानी ऐसा कोण जो 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो उसे कहते हैं न्यून कोण। लिखिएगा, ऐसा कोण जो 0 से ज्यादा हो, जो 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो, 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे कहा जाए, देखिए कहा जाए ये 60 अंश है, बताइए न्यून कोण है कि नहीं है? है, 0 से ज्यादा भी है, 90 से कम भी है। कहा जाए ये 10 अंश, ये भी है। कहा जाए 70 अंश, ये भी है। और कहा जाए 89 अंश, ये भी है, क्योंकि 90 से कम, 0.001 अगर कम है, 90 से कम है तो अभी वो न्यून कोण है। ठीक, इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। ये सब इसके बाद आप लिखिएगा सम कोण। राइट एंगल, एक्यूट एंगल न्यून कोण। अब देखिए सम कोण क्या होता है, ये सबको पता है कि ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश के बराबर हो जाए वो सम। लिखिएगा, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश के बराबर हो, 90 अंश के बराबर हो, सम कोण कहलाता है।
समकोण कहलाता है। अब देखिए इसी को एक दूसरे भाषा में बोला जाता है कि 90 अंश वाले कोण को समकोण कहते हैं, है ना। या अगर क्या आप लिख सकते हैं 90 अंश वाले कोण को समकोण कहते हैं, ठीक, कंफर्म है नहीं? 90 अंश वाले कोण को समकोण। अब दूसरा आता है अधिक कोण, अधिक कोण, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए अभी हम न्यून वाला क्या पढ़े थे, जीरो से ज्यादा हो और 90 से कम। अब देखिए अधिक वाले क्या कहेंगे, 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, उसे कहते हैं अधिक। लिखिएगा ऐसा कोण जो 90 से अधिक, जो 90 से अधिक तथा 180 अंश से कम हो, तथा 180 अंश से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं। अब देखिए इसमें का क्या है, जैसे कहा जाए 91 क्या है, अधिक कोण 90 से ज्यादा है 180 से, कहा जाए 105 क्या है, सब डिग्री है, अधिक कोण। कहा जाए 160 अंश, कहा जाए 179, 180 से कम है ना और 90 से ज्यादा है तो अधिक। उदाहरण नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक। अब आगे आता है अगला रिज कोण या रेखीय कोण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता लेकिन अप्लाइड पूछा जाता है, जब कोण निकालना होता है तब हम वहां प्रयोग करते हैं रिज कोण या रेखी कोण या सरल रेखा कोण या रेखा कोण, कई नाम। रेखीय कोण या रिज कोण, इसको कहते हैं लाइन एंगल। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे हम समकोण पढ़े थे किसको बोले थे, 90 को, वैसे 180 को रेखीय कोण या रिज कोण, किसको हम कह सकते हैं 180 अंश के कोण को रिज कोण कहते हैं, किसको 100 लिख लीजिएगा 180 अंश के कोण को, के कोण को रिज कोण कहते हैं। कंफर्म है, ठीक। आगे जानेंगे कि बृहद कोण क्या होता है, बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल या रिफ्लेक्सिव एंगल। जैसे देखिए हम पढ़े थे अधिक कोण 90 से ज्यादा 180 से कम, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा टिपिकल मामला है, यहाँ पूरा पूरा 180 से ज्यादा और 360 से कम, क्या 180 से ज्यादा और 360 से कम को हम क्या कहेंगे, बृहद कोण। लिख लीजिएगा 180 अंश से ज्यादा तथा 360 अंश से कम के कोण को बृहद कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कहा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है छोटी क्लास में कि 270 क्या है, बृहद कोण है, 180 से ज्यादा और
360 से कम, अब कहा जाए 200 तब भी तो है वही, नहीं कोई नाम नहीं है ना, 180 और 270 के बीच कोई नाम नहीं, वही बृहत आता है। क्लियर? अब ये हुआ कि नहीं, इसमें एग्जांपल कहा जाए 270 क्या है, बृहत कोण है, 181 क्या है, बृहत कोण है, और 359 क्या है, बृहत कोण है। बता रहा हूं साहब, ठीक। आगे जानिएगा आप लोग, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, अब देखिए इसमें भी एक नाम आता है कि 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण, 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। आगे अगला नाम आता है शून्य कोण, शून्य कोण, जीरो एंगल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कोण जिसका मान जीरो हो जाए उसे शून्य कोण, लिख लीजिएगा, ऐसा कोण जिसका मान जीरो उसके बराबर हो जाए शून्य कोण कहलाता है। अगला लिखिएगा पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए साहब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझना है, ठीक। हाँ, इसका मतलब ये है कि नाम से ही पता चला पूरक, और एक आता है संपूरक। सबसे ब्लंडर मिस्टेक क्या होता है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम कभी पूरक को संपूरक समझ लेते हैं, कोटि पूरक को यही समझते हैं। नाम दो है, काम एक ही है, है ना। तो हम याद रखेंगे पूरक कोण या कोटि पूरक कोण एक ही कोण होता है। अब देखिए ये क्या है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 के बराबर हो जाए, क्या ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश के बराबर हो जाए वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक या कोटि पूरक। लिखिएगा ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिसका योग 90 अंश के बराबर हो जाए, 90 अंश के बराबर हो जाए उसे पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या समझना है, देखिए इसमें समझने वाली बात है, इसका क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन पहले इसको समझिए। जैसे कहा जाए कि एक कोण थीटा है, क्या है थीटा, और कह लिया जाए साहब इसका पूरक कोण बताइए, तो पहले आपको बेसिक समझाया कि आता कहां से। इसे अभी परिभाषा आप लिखे हैं कि ऐसे दो कोण, एक बोला नहीं गया, दो बोला गया है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 के, हम मान ले साहब
कि दोनों कोण एक थीटा वन है और दूसरा थीटा टू, दोनों का योग 90 के बराबर, यही है। अब देखिए अगर हमको पूरक या कोटिपूरक निकालना है, मान लीजिए ये थीटा है, इसका कहा जाए कोटिपूरक कोण बताइए, हम कहेंगे थीटा वन का कोटिपूरक कोण बराबर, कोटिपूरक कोण बराबर 90 माइनस थीटा टू, या कहा जाए थीटा टू का कोटिपूरक कोण 90 माइनस थीटा वन। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए एक कोण, समझिएगा एक कोण 30 अंश है तो इसके कोटिपूरक का मान बताइए, हम कहेंगे कोटिपूरक कोण बराबर, देखिए किताबों में डायरेक्ट लिखा मिलता है कि कोटिपूरक कोण बराबर 90 माइनस जो दिया है उसको, वही काम करिएगा, यहां से आप इसको रखिएगा 30, है ना, यहां 30 रखेंगे, इधर प्लस उधर गया माइनस में, तो कोटिपूरक कहेंगे 90 माइनस 30 बराबर 60। अब ओरल कैसे समझेंगे, 30 है क्या जोड़ दे कि 90 हो जाए, 60 जोड़ दे 90 हो जाए, कंफर्म है। जिसे कहा जाए कि एक कोण 45 अंश है, इसके कोटिपूरक का मान बताइए 45, कहा जाए एक कोण 32 अंश है, इसके कोटिपूरक का मान बताइए 58, 90 से घटा देंगे। इसी तरह आता है आपका समपूरक, क्या आता है समपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ठीक। अब देखिए जैसे हम पूरक और कोटिपूरक में पढ़े थे दो कोणों का योग 90, यहां क्या करना है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर हो जाए, लिखिएगा ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनका योग 180 अंश के बराबर हो जाए, जिनका योग 180 अंश के बराबर हो जाए उसे समपूरक कोण कहते हैं, उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लिया कि दो कोण है, एक है थीटा वन दूसरा है थीटा टू, और दोनों का योग क्या है 180, ये दोनों एक दूसरे के समपूरक है, क्या है एक दूसरे के समपूरक। और एक चीज याद रखिएगा, समपूरक एक नाम और है परिपूरक, एक नाम और है इसका परिपूरक, हाँ परिपूरक, और इंग्लिश में एक ही है सप्लीमेंट्री ठीक। अब देखिए कहा जाए कि यदि एक कोण 110 अंश है, इसके समपूरक कोण का मान बताइए, समपूरक कोण। अब देखिए पहले इसको नहीं लगाते हैं, पहले यहां अगर कहा जाए कि थीटा वन का समपूरक कोण या समपूरक, हम कहेंगे 180 अंश माइनस थीटा टू, या थीटा टू का समपूरक, ये प्लस में उधर गया माइनस, अब 110 दिया है इसका समपूरक बताना है, 180 माइनस 110 घटा दिया तो 70। पूरक कोटिपूरक और समपूरक पर क्वेश्चन कराना है, लेकिन इसको बताने के बाद, हाँ वो मिक्स करके मैं बताऊंगा, सब एक ही में मिक्स रहेगा ठीक। अभी देखिए आपका कोण का आधा पार्ट हुआ है, आधा आपको बाद में बताया जाएगा।